दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे संस्कारों के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है या होगा कि संस्कारों की संख्या 16 है और इनके बारे में हमें जानकारी ग्रह सूत्र से मिलती है। हालांकि वेदों के बारे में इनका निश्चित रूप से उल्लेख नहीं है। जहाँ ऋग्वेद में एकाध दो संस्कारों का उल्लेख किया गया है वो भी पूजा की विधि के तौर पर। तो ये है कि संस्कारों के बारे में जो भी जानकारी है वो ग्रह सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। और अगर संस्कार की हम बात करें तो संस्कार ये सामाजिक व्यवस्था में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इनको जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने और परिशुद्धता बनाए रखने के लिए अनिवार्य बनाया गया था। और संस्कार की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धि और सुधार, यानी कि जीवन की शुद्धता और सुधार के लिए इनको आवश्यक माना जाता है। और इनके विषय में ये भी कहा जाता है संस्कारों के विषय में कि ये व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं शारीरिक स्तरों पर शुद्ध करते हैं, है ना। तो आइए अब जानते हैं संस्कारों के बारे में। तो जब किस जैसा कि सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, उसके बाद है पुंसवन, फिर दूसरा है पुंसवन संस्कार और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार और चौथा है नामकरण, उसके बाद निष्क्रमण, फिर जात कर्म, इसके बाद अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, चूड़ा कर्म और पट्टी पूजन या विद्यारंभ, इसके बाद उपनयन, फिर वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और जो सबसे अंतिम है वो है अंत्येष्टि सरकार संस्कार। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं गर्भाधान संस्कार से। और ये सबसे प्रथम संस्कार है, यानी कि एक आदमी के जीवन शुरुआत होने से लेकर इसमें मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं उसके बारे में बताया गया है, संस्कारों के बारे में। तो जब जैसा कि सबसे पहला है गर्भाधान और सबसे अंतिम है अंत्येष्टि या दाह संस्कार। तो गर्भाधान की हम अगर बात करें तो इस संस्कार का संबंध संतान उत्पन्न करने से है। और मनुस्मृति में इसे गर्भ शुद्धि का संस्कार बताया गया है, गर्भाधान संस्कार ये सबसे पहला संस्कार है, ठीक है। यानी कि जब इंसान गर्भ में पल रहा होता है तो उस संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पुंसवन संस्कार। तो जब कोई स्त्री जो कि गर्भ धारण की होती है तो गर्भ धारण के चौथे माह में होने वाले संस्कार को पुंसवन संस्कार कहा जाता है। और ये मुख्यतः पुत्र जन्म के लिए, यानी कि लोग पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार को करते हैं। और पहली बार गर्भ धारण की स्थिति में तीसरे महीने में इस संस्कार का विधान किया जाता है। वैसे नॉर्मली ये चौथे महीने में किया जाता है, लेकिन अगर किसी का प्रथम गर्भधारण हो रहा हो तो उसके लिए तीसरे महीने में किया जाता है पुंसवन संस्कार। इसके बाद जो अगला है वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। अगर हम इसकी बात करें तो इसका संबंध परलौकिक शक्तियों से गर्भवती की रक्षा करने से है। और गर्भधारण के चौथे महीने में इस संस्कार को संपादित करते हुए जो महिला का पति होता है वो अपनी पत्नी को के मतलब उनके बालों को सुगंधित पदार्थों से संवारने का कार्य करता है, जिसको बोलते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नामकरण संस्कार। तो अब जैसा कि नाम से क्लियर है, नामकरण मतलब जब शिशु का नाम रखने के लिए शुभ मुहूर्त में नाम किया जाता है इस संस्कार का कार्य। और इसमें पुरोहितों द्वारा बच्चों की राशि के पहले अक्षर के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण संस्कार ये हो गया। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार की अगर हम बात करें तो मनुस्मृति के अनुसार शिशु के जन्म के बाद चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। और इसमें शिशु को यानी कि उस बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य का दर्शन कराया जाता है। इसके बाद जात कर्म संस्कार, ये जो छठवां संस्कार है इसमें पिता के द्वारा बच्चे को सोने के चम्मच से शहद और घी चटाए जाने का विधान है। और इस अवसर पर बच्चे को अनिष्टकारी प्रभावों से बचाने के लिए प्रार्थना किया जाता है, साथ ही साथ मंत्र आदि भी पढ़े जाते हैं। तो ये जात कर्म संस्कार हो गया। फिर अगला जो नेक्स्ट है वो है अन्नप्राशन संस्कार। अगर इसकी बात करें तो जन्म के छठवें महीने में इस संस्कार में बच्चे को पहली बार मतलब अनाज खिलाया जाता है, फिर घी दिया जाता है, शहद खीर आदि ये सब दिए जाने का विधान है अन्नप्राशन संस्कार में। यानी कि जब बच्चा छठवें महीने का में प्रवेश कर जाता है तब उसके जो पहला अन्न प्रदान किया जाता है ये अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। इसके बाद कर्ण छेदन संस्कार,
तो ये तीसरे या पांचवें वर्ष में, यानी जब बच्चा 3 या 5 वर्ष का हो जाता है, तो कान, बच्चे के कान को छेदा जाता है और सामान्यतः उसमें सोने की बालियां या फिर यथाशक्ति लोग कान में बाली पहनाने का कार्य करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से। कर्ण छेदन संस्कार, इसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार, है ना। तो इसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है, चूड़ा कर्म संस्कार को। और इस कर्म को, यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार को, शिशु के जन्म का जो पहला या तीसरा साल होता है उसमें बच्चे का मुंडन कराया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पट्टी पूजन या विद्यारंभ संस्कार। तो बच्चे के जन्म के तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष में यह संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार से शिशु का विद्यार्जन प्रारंभ होता है, यानी कि वो पाठशाला जाना प्रारंभ करता है। और इसमें पट्टी की पूजा जो है शास्त्रीय विधि विधान से की जाती है, साथ ही साथ उस पर शिशु से ओम तथा वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं वो पुरोहित या घर के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनसे लिखवाए जाते हैं पट्टी पूजन संस्कार में। इसके बाद जो अगला है वो है उपनयन संस्कार। तो इस संस्कार में बालक को जनेऊ पहनाने का विधान है और ये बालक के ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का संस्कार है। और मनुस्मृति में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो ब्राह्मण बालक है वो 8वें वर्ष में, और क्षत्रिय बालक 11वें वर्ष में, और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेदारंभ संस्कार, यानी कि इसमें वेदों के अध्ययन का विधान दिया गया है। यानी कि अब जो बालक है पढ़ने जाएगा, और उसके लिए पहले बालक गुरु शरण में जाते थे लेकिन अब क्या है स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो ये वेदारंभ संस्कार हो गया। इसके बाद जो है केशांत सरकार संस्कार, यानी कि बालों को अंत करना। बहरहाल इसमें ये होता ही है, आपको बता दूं कि 16 वर्ष की अवस्था में होने वाले इस संस्कार में पहली बार बालक के दाढ़ी और मूंछ घुटवाने का विधान है किसांत संस्कार में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है समावर्तन संस्कार। तो ये संस्कार दीक्षा के अंत से जुड़ा हुआ है, यानी कि दीक्षांत से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब बालक का पढ़ाई पूरा हो चुका होता है और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद विवाह संस्कार, इसमें कि विवाह किया जाता है, और इस संस्कार के साथ ही उस व्यक्ति का प्रवेश गृहस्थ आश्रम में माना जाता है। और ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद इस संस्कार का विधान होता है जिसे हम कह रहे हैं विवाह संस्कार। और अगर हम विवाह की बात करें तो भारतीय परंपरा में प्राचीन स्मृतियों में, यानी कि मनुस्मृतियों में जिन 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो अगर हम उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लें तो उसमें शामिल है ब्रह्म विवाह और दैव विवाह, साथ ही साथ आर्य विवाह और प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह। इसके बाद जो सबसे अंतिम है और घटिया है वो है पैशाच विवाह। तो 8 प्रकार बताए गए हैं। तो इसमें ब्रह्म विवाह या फिर प्रजापति विवाह का मतलब संस्कार होता है। और उसके बाद जो सबसे अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि ये मानव जीवन का अंतिम संस्कार होता है और ये संस्कार आदमी की मृत्यु के बाद संपन्न होता है। और इसे हम दाह संस्कार के रूप से भी जानते हैं, और मृत आत्मा की शांति के लिए इस संस्कार को आवश्यक माना जाता है। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।